नमस्कार मित्रों, बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट और उनका मार्क्स है। ये 9 नंबर स्टूडेंट्स हैं और इनका मार्क्स है, ये लास्ट रो में देखिए आप टोटल किया हुआ है। टोटल में नॉर्मली जैसे सम का फार्मूला आप डालते हैं, सी सम्स सी टू 11, इसी तरह से इसमें सम का फार्मूला डाला हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी डाला हुआ है। अब जब हम इसमें नया रो ऐड करते हैं, जैसे एक और स्टूडेंट का सपोज कीजिए कि नाम डालना है, तो इसमें हम रो इंसर्ट करते हैं लास्ट में, तो इसमें हम रो इंसर्ट करते हैं लास्ट में और एक और स्टूडेंट का इसमें नाम और मार्क्स डालते हैं। तो देखिए कि ये सम अपडेट नहीं होता है। ये 10वें नंबर पर जो इम्तियाज है उसका मार्क्स इसमें नहीं ऐड होता है, ये फार्मूला भी ये 11th होता है। तो ये फार्मूला हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा फार्मूला डालें जो कि अपने आप अपडेट हो और मार्क्स रो ऐड करने के बाद ऐड हो जाए। चलिए इसको देखते हैं, फिर से अंडू कर लेते हैं। अब इसमें आते हैं और फार्मूला को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर सम के बाद लगाते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉमा, और इसके बाद फिर यहाँ कॉमा और एंड रो, यहाँ रो फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। -1, ये फार्मूला ध्यान से देखेंगे, फार्मूला सम इनडायरेक्ट सी कॉमा सी थ्री टू सी कॉमा एंड रो -1। अब देखिए इसको जब हम इंटर करेंगे तो अभी तो मेरा सम नहीं चेंज कर रहा है। अब फिर से सब में ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। देखिए ये सब में फार्मूला लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया। अब देखते हैं इसमें रो इंटर करके, ये इंसर्ट करते हैं रो और इस रो में एक नया स्टूडेंट का नाम जोड़ते हैं। ये नया स्टूडेंट का नाम जोड़ते हैं, मार्क्स देखिए इतना मार्क्स जुड़ गया। अब एक और स्टूडेंट का नाम जोड़ मार्क्स जोड़ कर देखते हैं कि ये सम अपडेट होता है कि नहीं। ये देखिए इसमें अपडेट हो गया, इसमें भी डालते हैं, ये अपडेट हो गया, इसमें भी डालते हैं, ये अपडेट हो गया, इसमें भी डालते हैं, ये इसमें अपडेट हो। इस तरह से अब रो आप ऐड करते चले जाएंगे और ना मार्क्स ऐड होते चला जाएगा, आपको फिर से फार्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बीके गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।